अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची में एक बार फिर कातिल जमात को आगे लाया गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा, मैं पूछता हूं 7 फरवरी को बैलेट पेपर एमकेएम के पास कैसे पहुंचे। कहा, इंतखाबी धांधलियों की तहकीक के लिए आजादाना कमीशन बनाया जाए। देखिए, उस हलके में जो रिजल्ट आया है, खुद हामिद मीर साहब ने भी उस पर तबसरा किया है कि मेरे साथ 2 पेपर है और एक ही जगह की है और उसमें खुद जो उम्मीदवार है उसने खुद को भी वोट नहीं डाला है, उनके रिश्तेदार ने भी, हत्ता कि पुलिंग एजेंट ने भी। लिहाजा साबित हुआ कि वो एक जाली कारोबार हुआ है और जाली एक्सरसाइज। इसलिए तो ये सवालात उठे हैं जिसका मैंने जिक्र किया। बाकी देखिए, हमने अजान दी है, अब कितने लोग नमाज के लिए आते हैं कितने नहीं आते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि अजान गलत था। हम लोगों को जुगाएंगे, लोगों को उठाएंगे और अल्लाह ताला और उसके दीन के साथ जोड़ेंगे।